अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग एरिया से होंगे। आज आप लोग चलिए मेरे साथ किचन में। हम लोग आज बनाएंगे चिकन मंचूरियन। मैंने सोचा आज मैं बनाने लगी हूँ तो आपको इसकी रेसिपी दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये चिकन को क्यूब्स में काट के इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था। इसके साथ इसको मैरिनेट करके मैंने दूसरी साइड पे अपनी फ्राई होने के लिए कढ़ाई, चिकन को फ्राई होने के लिए कढ़ाई रख दी थी। और साथ में मैंने एक प्लेट के अंदर प्लेन मैदा डाला था। और फिर इसके बाद आपने मैरिनेट करके चिकन को आराम से प्रेस करके अंदर मैदे की कोटिंग करनी है। और फिर इसको एक एक फ्राई अलग अलग पकड़ के इसको आपने फ्राई होने के लिए डालना है। एक ही टाइम में पूरे का पूरा ना उठा के तो ना कर देना, बस वन वन करके मंचूरियन का आपको सबसे पहले चिकन फ्राई करना है। और प्लीज़ कमेंट्स में ये मत कहिएगा कि आपकी कढ़ाई ऐसी है वैसी है। मैं हमेशा अपनी, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि मैं अपने जो फ्राई के लिए कढ़ाई है वो मैं कोई पुरानी ही लेती हूँ। ये मैंने एक ही कढ़ाई बस फ्राई के लिए रखी हुई है, वरना सारे बर्तन ख़राब हो जाते हैं हमने उसको गर्म गर्म कर करके। तो इसलिए मैंने शुरू से एक ही कढ़ाई रखी हुई है, इसलिए उसका ये हाल हो गया। ये देखे फ्राई करने के बाद चिकन को ऐसे गोल्डन करके आपको इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेना है। तो अभी ये मैं बना ही रही थी तो बच्चों ने साथ ही शुरू कर दिया कि हमें अकेडमी छोड़ के आए, पापा लेट आएंगे आज ऑफिस से। तो मैं फिर बच्चों को अकेडमी छोड़ने के लिए निकल गई और मैंने वो जो चिकन फ्राई होने के लिए रखा हुआ था वो मैं अपनी मेड को बोल के आई थी कि ये आप ये फ्राई करें, मैं तब तक बच्चों को छोड़ के तो आ जाती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना रश नहीं था, जल्दी जल्दी मैं घर वापस आ गई थी। मुझे ये था शायद मैं लेट हो जाऊँगी। और घर आते सारी मैंने अपना चिकन मंचूरियन बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके लिए मैंने कैप्सिकम काटी थी 1 और 1 ऑनियन काटा था। उसके बाद मैंने ये गार्लिक और कैचअप थी, सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा हुआ था ऑलरेडी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेड ने सब कुछ पहले करके रख देती है, उसको सारी रेसिपीज़ का पता है मैं क्या क्या बनाती हूँ कैसे बनाती हूँ, तो वो सब कुछ काट के पहले ही रख देती है। और 1 मिनट स्पून पकड़ लें पहले एक। चले जी, सबसे पहले तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट आप ऑयल गर्म करें और उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। उसके बाद इसको थोड़ा सा आप हमने बस फ्राई होने के लिए रखें। उसके बाद आप साथ ही इसके अंदर हमने वेजेस अपनी शामिल कर दें। जब आप वेजेस डालेंगे तो हमने सबसे पहले कि ये चाइनीज़ का सबसे बड़ा रूल खाने का यही होता है कि आप लोगों को अपनी चूल्हे की जो हीट है उसको फुल तेज़ रखना होता है। ये फुल तेज़ पे ही खाना बनता है, इसको बिल्कुल भी आप स्लो ना कीजिएगा। तो लास्ट तक आपको जब तक ये खाना है आपका चूल्हे के ऊपर है, आपको फुल फ्लेम पे ही इसको कुक करना है। तो होप्स हो कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ उसको लाइक कीजिए। आई नो कि हो सकता है कि कुछ लोग टीवी से भी देखते हों तो वहाँ से सब्सक्राइब करना मुश्किल हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने मोबाइल में ओपन करके वहाँ से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सॉरी, ये डालते डालते थोड़े ऑनियंस नीचे गिर गए थे बाद में, लेकिन मैंने उनको वेस्ट नहीं होने दिया, उनको वॉश करके मैंने फिर वापस से अंदर ही डाला था। और अभी तक मेरा जो नीचे हमने चूल्हा है वो बिल्कुल तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। आप लोगों को इसको पकाना नहीं है, बस इसको हल्का हल्का आपको कच्चा ही रखना है। इसके बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसके अंदर पानी डालते रहें कि वो बहुत ज़्यादा जो ना जल ना जाए, क्योंकि इसके अंदर हमने लहसुन डाला हुआ ना पीसा हुआ, इसलिए वो जलना नहीं चाहिए। तो इसके बाद जब आप ये कर ले, इसके बाद आप इसके अंदर डालें कैचअप। कैचअप मैंने 1 बाउल जो छोटा वाला होता है ना वो मैंने इसके अंदर डाला था। ये मैंने स्पून भर के इसके अंदर जो खाने का है वो मैंने इसके अंदर डाला कैचअप का। और अब माशाल्लाह इतना टाइम हो गया कुकिंग करते हुए कि अब मुझे खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी मुझे डालनी है। और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चिली सॉस डाली थी, और साथ में ये ही इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने शुगर डाली है, और 1 हाफ टीस्पून से भी कम मैंने इसके अंदर चिली सॉस ब्लैक पेपर और वाइट पेपर डाली थी। और उसके बाद मैंने इसको तेज़ चूल्हे के ऊपर इसको पकाया था। तो सब कुछ सॉस वगैरह डालने के बाद थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दे साथ में कि ये केचप वगैरह जले नहीं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये अभी मैंने सोया सॉस डाले, 1 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस आप डाल दें। और ये रही मेरी काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और साथ में नमक। ये मैंने तीनों ही क्योंकि एक हैंड में कैमरा पकड़ा हुआ था तो इसलिए वो बॉटल्स को ओपन करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको सबको मिक्स करके ही रख लिया था कि मैं आसानी से इसको अंदर डाल सकूं। और उम्मीद है आप सबके रोज़ा रमज़ान बहुत अच्छा गुजारा होगा।
और बस हमारा भी ऐसे ही मसरूफियात में पूरा दिन गुजर जाता है, खाना बनाने में और उसके बाद घर के काम करने में पूरा दिन कैसे गुजरता है पता भी नहीं चलता। तो सोचा चले आज वीडियो में आपके लिए चिकन मंचूरियन बनाती हूँ। मैं भी आज हमने फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन बनाने लगी थी तो सोचा चले आपके लिए भी यही बनाती हूँ। इसके साथ मैंने अपने चाइनीज़ रोल वगैरह बनाए थे और ये जो हमने फ्राई करके चिकन साइड पर रखा हुआ था ये हमें इसके अंदर डालना, मुझे यही डर था कि कहीं टिश्यू भी अंदर ना चला जाए, लेकिन शुक्र है अल्लाह का वो साइड पर रह गया था क्योंकि एक हैंड में कैमरा पकड़ के वीडियो बनाना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बच्चे इस वक्त अकेडमी गए हुए नहीं थे, मैं उनको कहती कि ये ज़रा पकड़ के खड़े हो जाओ मेरी वीडियो बनाने में थोड़ी हेल्प करो, लेकिन आपको पता है कि बच्चे भी कहाँ हेल्प करते हैं, वो तो कहते हैं मामा मामा प्लीज़ ये, तो इसलिए भी बच्चों को कहना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अभी आप देखें ना ऊपर ये बेचारी हिलती जा रही है, बर्तन ऊपर से हिलता ही जा रहा है क्योंकि वैसे तो अगर दो हाथों से करो तो एक हाथ में आप पकड़ लो कपड़े से और एक हाथ से आप हिला लें, तो ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद हमारा मंचूरियन रेडी था। इसके अंदर मैंने बस थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाला था बिल्कुल लास्ट में और इसके बाद मैंने ये समोसे बनाए थे। फ्रूट चाट हमने हमारी काफ़ी बची हुई थी तो वो मैंने कल वाली बना ली, तो ये देख लीजिए भाई मेरे बच्चे का सीक्रेट टैलेंट, तो इतनी अच्छी वो माशाल्लाह करता है सिंगिंग, तो मैंने चुपके से इसकी रिकॉर्डिंग बना ली। होप सो कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, लेकिन हमने इसकी रिकॉर्डिंग तो मैंने कर ली लेकिन मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो बार बार मुझे कॉपीराइट्स का ही क्लेम आ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग मेरे बेटे का ये सिंगिंग तो सुन नहीं सकेंगे। फिर भी मैं ट्राई करूँगी किसी और तरीके से मैं आपको उसका ये टैलेंट दिखा सकूँ, तो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं खुद इतना हैरान रह गई थी उसकी आवाज़ सुन के। तो चलिए इंशाल्लाह ताला अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।